फ्रेंड नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको साढ़े साथी के बारे में बताऊंगा, साढ़े साथी के क्या फल होते हैं और कंप्लीट साढ़े साथी कैसे लगती है। साढ़े साथी का सिद्धांत मैं बताना चाहता हूँ, तो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ साढ़े साथी। तो साढ़े साथी के विषय में पूरा बताना चाहता हूँ कि कैसे साढ़े साथी लगती है। आप जानते हो कि शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि धनु में दिनांक 26 जनवरी 2017 से 24 जनवरी 2020 तक रहेंगे। और जब शनि महाराज राशि बदलते हैं तो साढ़े साथी में परिवर्तन आता है और गोचर से ही साढ़े साथी का पता लगाया जाता है। या यह कहे कि शनि की जो साढ़े साथी है वो शनि का गोचर है। तो ये गोचर जो है चंद्र कुंडली से देखा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा कि सारी जो बात बताई जा रही है चंद्र कुंडली से बताई जा रही है, इसमें लग्न कुंडली का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपकी जब जन्म पत्रिका होती है तो इसमें चार प्रकार की कुंडलियां होती है, लग्न कुंडली, नवमांस कुंडली, निरण भाव चलित, चंद्र कुंडली या षोडश कुंडलियां भी होती है। तो ये लग्न कुंडली से अभी कोई वास्ता नहीं है, मैं सारी की सारी बात कर रहा हूँ चंद्र कुंडली से। आपके यहाँ पे चंद्रमा कहाँ पे बैठा होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसको चंद्र कुंडली बोलते हैं, इसको लग्न कुंडली बोलते हैं। तो जहाँ चंद्रमा, ये देखिए, यहाँ पे जहाँ चंद्रमा बैठा होगा वो आपकी चंद्र राशि कहलाती है। ये यहाँ पे मीन राशि में बैठा है, तो इस जहाँ तक की मीन राशि की जो चंद्र राशि वही मीन राशि कहलाएगी और उसी से चंद्र कुंडली ये बनती है। यहाँ से ऐसा घुमा दिया तो इसकी चंद्र कुंडली बन गई। तो चंद्र कुंडली से ही हम एस्ट्रोलॉजी के साढ़े साथी की हम बात करेंगे। तो एक सिद्धांत है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रह कैसे फल देते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ, कभी अधर्मी कृपालु हो जाते हैं, तो कृपालु अत्यंत कठोर हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं और कभी मित्र शत्रु हो जाते हैं। ये महाभारत शांति पर्व राजधर्म में अध्याय 80 का श्लोक 8 है। इसी तरह ग्रह होते हैं, ग्रह अपने फल देते हैं, जो इसी तरह अपने ग्रह फल देते हैं। ग्रह कभी अच्छे फल देते हैं, कभी बुरे फल देते हैं। जो ज्योतिषियों को पता लगाना बहुत कठिन काम होता है, कि ज्योतिष में इतने सारे सिद्धांत एक साथ अप्लाई करते हैं, वो सारे सिद्धांत का एप्लीकेशन एक साथ करके बैलेंस व्यू में अपना प्रिडिक्शन देना अपने आप में बहुत कठिन होता है। जो ज्योतिष ऐसा कर पाता है वो निश्चित रूप से सक्सेस एस्ट्रोलॉजर कहलाता है, जो हिंदुस्तान में बहुत कम सक्सेस एस्ट्रोलॉजर है। और प्रिडिक्शन का जो सक्सेस रेट है बहुत कम। यहाँ तो साइकोलॉजी बताते हैं, लोग तो आपसे ही कुछ पूछ लेंगे और आपको ही बता देंगे और आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर की बहुत कमी हिंदुस्तान में, क्योंकि सिद्धांत हम लोग भूलते जा रहे हैं और ज्योतिषी इतना माथापच्ची करना नहीं चाहता, इतना सारा मेहनत नहीं करना चाहता। वो तो सीधे सीधे शॉर्टकट बता के आपसे धन अर्जित करना चाहता है, तो धन कमाने की होड़, इसलिए एस्ट्रोलॉजी पिछड़ जाती है और ज्योतिषी अपना ज्यादा तरक्की कर जाता है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य है। जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ या अशुभ, नीच है का है या उच्च का है, शत्रु का है या मित्र राशि का है, ग्रह अस्त है कि ग्रह की दशाएं क्या है, बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, और भी ग्रहों की अवस्थाएं होती है, प्रकाशावस्था में है। इस प्रकार से यह अष्टक वर्ग में भी देखा जाता है कि उसको वहां कितनी रेखाएं मिली, कितने बिंदु मिले हैं। शनि यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा, यदि बुरे भाव में होगा तो बुरा फल देगा। निश्चित रूप से शनि जैसे छठे छठे भाव में बैठा है, आठवें भाव में बैठा है, बारहवें भाव में बैठा है, ये सदा बुरे भाव है। यहाँ यदि शनि बैठा है तो निश्चित रूप से फल देगा। आपकी कौन सी दशा, दशा हो, महादशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, यदि आपकी सूर्य की दशा महादशा हो, चंद्र की हो या शनि की, मंगल कभी की, यदि ऐसी स्थिति में आपके ग्रह बैठे रहते हैं तो आपको बुरे फल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ग्रह कभी अच्छे फल देते हैं, कभी बुरे फल देते हैं। कोई निर्धारित नहीं है कि कभी अच्छे ही फल देगा या बुरे फल देगा, वो उसकी स्थिति पे कि कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति, कैसी दृष्टि उसको मिल रही है। साढ़े साथी के बारे में ये बता दूं, यदि आपकी जन्म राशि से शनि यदि 12वें स्थान पे आया है तो आपकी साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। ये सिद्धांत है, अर्थात जन्म राशि से जब गोचर में राशि भ्रमण करते हुए 12वें में जन्म राशि का पहले और दूसरे इन तीन स्थानों पर शनि आता है, तब शनि को साढ़े साथी लगती है। साढ़े साथी में प्रायः पीड़ा, दुख आदि अशुभ फल ही मिलता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष चलता है। हर एक आदमी के लिए शनि की जो है साढ़े साथी बुरी नहीं होगी। ये शनि का कारकत्व है, जो आप लोग वीडियो देख के देख सकते हैं। इसमें समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है कि शनि के क्या क्या कारकत्व होते हैं। शनि हमारे शरीर को किस अंग में प्रभावित करता है, ये मकर और कुंभ राशि के मैंने लिखा है कि पैर के इस घुटने के नीचे स्थान में, दोनों घुटने के नीचे स्थान में, टांगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग शनि के लिए प्रभावित करता है। ये एस्ट्रोलॉजी जो है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो होती है, उसमें ये सब चीज़ें काम आती है कि हमारा जो शरीर यदि बीमार हुआ, शनि के कारण कोई पीड़ित हुआ है, तो ये सब देखा जाता है उसमें। मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो शनि है जो तुला राशि में 20 डिग्री में उच्च का होता है और मेष राशि में 20 डिग्री का नीच का होता है, मूल त्रिकोण उसका 0 से 20 डिग्री होता है। यदि हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि महाराज उच्च के हैं लेकिन 1 डिग्री के हैं, तो उच्च के फल नहीं देंगे,
यदि हो सकता है शनि महाराज आपकी कुंडली में नीच के हैं लेकिन वो 20 डिग्री के नहीं है तो नीच के फल नहीं देंगे। हो सकता है शनि महाराज आपकी 5 डिग्री के हैं और नीच राशि में तो भी नीच के फल नहीं देंगे। हो सकता है वो 26 डिग्री में तो भी नीच के फल नहीं देंगे। तो ये डिग्रियों का बड़ा महत्व, इतने डिग्री में होगा तभी वो उच्च का कहलाएगा और नीच का कहलाएगा। ओके, तो हो सकता है कि कभी कभी आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में तो वो नीच का दिख रहा है लेकिन नवमांश कुंडली में जाके उच्च का हो जाता तो भी वो नीच के फल नहीं देता है। तो ये बहुत गहनता से कुंडली का जो अध्ययन करने वाले एस्ट्रोलॉजर है ये सब चीज़ों को बारीकी से अध्ययन रखते हैं, इसके बाद ही अपना फलादेश वो देते हैं। ये कुंभ राशि जिसको एक्वेरियस कहते हैं, मीन पाइसेस बोलते हैं, ये जोडक में पूर्व भचक्र में इस तरीके से फैली हुई है कुंभ राशि और मीन राशि, सॉरी मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि 270 से 300 डिग्री में फैली हुई है और कुंभ राशि 300 से 330 डिग्री में फैली हुई है। इसका साइन इस तरीके से सिंबल दिखता है, आप देख सकते हो वीडियो रोक के। नेक्स्ट, ये मैं नेक्स्ट देखता हूँ। इस तरीके शनि का कारकत्व है, ये शनि का कारकत्व आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं कि शनि किस किस बात के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे मिथ्यावाद, उदारता, स्त्री से प्रसन्नता, सामग्री में असुहाति आय, शरीर में त्वचा रोग, मृत्यु, दीर्घायु, गुण संकर, हड्डियाँ, प्रकृति में दुख देता है। इस तरीके से आप रोक के देख सकते हैं इसके कारकत्व, है ना। और ये हमारा शनि इस तरीके से गोचर करता है, जब जहाँ पे भी जाता है तो किसी न किसी को साढ़े साथी लगती है, किसी की हटती है। तो ये जब चंद्र राशि से वो गोचर करता है तो उसी को हम साढ़े साथी कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेष लग्न की जो कुंडली, मेष सॉरी मैं मेष लग्न नहीं बोलूंगा, यहाँ पे चंद्र लग्न के बोलूंगा, चंद्र लग्न की कुंडली में ये देखा जाता है। ये चंद्र कुंडली ही मैं दिखा रहा हूँ। यदि किसी जातक की मेष राशि होगी तो इस तरीके से उसकी साढ़े साथी प्रारंभ होगी। जब चंद्रमा उसका मीन में आए, शनि उसका मीन में आएगा तो पहला ढैया, जब ये दूसरा ढैया तब लगेगा जब पेश में आएगा, और तीसरा ढैया तब लगेगा जब इसका वृषभ में आएगा। इस तरीके साढ़े साथी सात साढ़े सात, यहाँ 2.5 वर्ष, यहाँ 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, ये पूरा रन करके साढ़े साथी इसकी खत्म होगी। नेक्स्ट, चंद्र वृषभ लग्न, सॉरी वृषभ जिसकी राशि हो, ये चंद्र कुंडली है, वृषभ जिसकी राशि हो तो उसका मेष में यदि शनि महाराज आएंगे तो उसका पहला ढैया चलेगा और इस तरीके से रन करते हुए 7.5 उसके साल बीतेंगे। यदि किसी जातक की मिथुन राशि है तो उसमें जब वृषभ में चंद्र शनि महाराज आएंगे तो उसकी इस तरीके से 7.5 ही, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल होके पूरा 7.5 यहाँ पे रन करके चलेगी। यदि कोई जातक कर्क का है तो इस तरीके से कर्क राशि जिसकी, इस तरीके से चलेगी जब मिथुन में शनि महाराज आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेके 7 तक, पहली मतलब मेष लग्न, वृषभ लग्न, कन्या लग्न, सॉरी मिथुन लग्न और कर्क लग्न, इनको अभी 7.5 से ये प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हाँ, सिंह राशि भी 7.5 से अभी प्रभावित नहीं हो रही है। सिंह जिसकी सिंह राशि है उसको कर्क में जब शनि महाराज आएंगे तो पहला ढैया, सिंह में आएंगे दूसरा और कन्या में जाएंगे तीसरा ढैया, इस तरीके से 7.5 उसकी चलती है। कन्या लग्न के लिए भी 7.5 का अभी कोई प्रभाव नहीं है। जब शनि महाराज सिंह राशि में आएंगे तो पहला ढैया, कन्या में दूसरा और तुला में तीसरा ढैया, इस तरीके से 7.5 इसके साल बीतेंगे। तुला लग्न में शनि की 7.5 खत्म हो रही है 26 जनवरी 2017 से। ये शनि तुला तुला राशि वालों के लिए ये खुशखबरी है। ये कन्या में जब आए थे, कन्या में शनि आया था तो पहला ढैया, ये दूसरा ढैया तुला में, और ये तीसरा ढैया अभी लगभग खत्म हो गया 26 जनवरी 2017 को। तो इनकी 7.5 तुला लग्न वालों की 7.5 अब खत्म हो चुकी है। वृश्चिक लग्न, जिनकी वृश्चिक लग्न चल रही है उनका ये तीसरा ढैया स्टार्ट होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि को ऑलरेडी 5 साल से ये 7.5 इनकी भी चल रही है और इनका 2.5 साल यहाँ धनु राशि में बीतेगा। और जैसे 2.5 साल बीतेगा तो जो जिसकी वृश्चिक राशि है उनकी भी 7.5 खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी 7.5 जब शनि महाराज तुला में तब से ही प्रारंभ है। जो जातक की धनु राशि है उनका 7.5 वृश्चिक में जब आया था शनि महाराज तब से ही पहले है, ये अब दूसरा ढैया चालू हो गया है इनका, और तीसरा ढैया 2.5 साल बाद और मकर में जब आएगा चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि धनु राशि के लिए पूरे के पूरे 5 साल अभी 7.5 के बाकी हैं। इसी तरीके से जिनकी मकर राशि है उनको अभी 7.5, उनके लिए अभी पहला ढैया स्टार्ट होगा। मकर राशि के लिए 7.5 इस बार प्रारंभ हुई है, इनका पहला ढैया 26 जनवरी 2017 से स्टार्ट होगा, फिर मकर में जाएंगे तो दूसरा, फिर तीसरा ढैया इनको जो है कुंभ में शनि महाराज जाएंगे तब। तो जिनकी मकर राशि है उनके लिए 7.5 स्टार्ट हो गई है।
और चीन जाति की कुंभ लग्न है, उनकी साढ़े साती अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही शनि महाराज मकर में आएंगे तो उनकी साढ़े साती का पहला ढाई आएगा, तो अभी 2.5 साल बाद उनको मकर कुंभ राशि वाले को साढ़े साती स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से मकर में, कुंभ में और मीन में शनि महाराज गोचर करके साढ़े साती का फल देंगे। इसी तरीके से मीन लग्न वालों के लिए तो अभी 5 साल बाकी है, अभी तो शनि महाराज धनु में चल रहे हैं, जब फिर इसके बाद मकर में आएंगे तो कुंभ, जिनकी जिन जातक की मीन राशि है, कुंभ जब शनि महाराज कुंभ में आएंगे तो यहाँ पहला ढैया चालू होगा, मीन में आएंगे तो दूसरा और मेष में जाएंगे तो तीसरा। इस तरीके से मीन लग्न के लिए भी अभी ये जो है शनि की साढ़े साती का कोई मतलब नहीं, उनकी साढ़े साती प्रारंभ नहीं हुई है, ना शनि से वो कोई प्रभावित है। कुल मिला के कहा जाए तो तुला लग्न तो खत्म हो गई है, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मकर लग्न, ये तीन राशि खासकर शनि महाराज से अभी पीड़ित हो रही है और साढ़े साती के प्रभाव में है। वृहत पाराशर हो रहा, साथ में बहुत सारे उपचार दिए गए हैं। भाइयों, आप यदि शरीर से प्रभावित हो रहे हैं तो उपचार का पालन करिए और किसी प्रकार के नग नगीने के चक्कर में मत रहिए। ये वीडियो रोक के ये मैंने जो बात लिखा है वो लिखिए, इसमें से कोई एक पाठ करिए, शनि महाराज के स्त्रोत है, नवग्रह स्त्रोत हम सबसे बढ़िया उपाय है, पाठ करिए, कोई एक करिए इनमें से, और कंपटीशन वाले को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्भवती माताएं ना करें, किशोरी बालिकाएं डरे ना, और इसमें शनि महाराज अच्छे ही फल देंगे। कोई भी ग्रह किसी को बुरे फल देने के लिए नहीं बैठा है, जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना पड़ता है। विष्णु सहस्रनाम भी अच्छा विकल्प है। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।